रामपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने एक खास मुलाकात कर कांग्रेस सपा बसपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह तीनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में अपना जंधार खो चुकी है। भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में बसपा और सपा गठबंधन ने अहम भूमिका निभाई है, जिसका जीता जागता उदाहरण भाजपा आपके सामने आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने जातीय समीकरण में समेट लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार जातीय भेदभाव को छोड़कर देश की एकता, अखंडता के मुद्दे पर काम करे, इसलिए व्यापारियों के साथ निष्पक्ष रवैया अपनाया जाए। संदीप अग्रवाल सोनी ने प्रतिनिधि मंडल की ओर से मांग करते हुए कहा कि जटिल समस्याओं का समाधान समय रहते कराया जाए। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात कहती है। संदीप अग्रवाल सोनी ने व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से कहा कि जटिल समस्याओं का समाधान कराया जाए और यह भी कहा कि व्यापारी समाज का हर वर्ग किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है, लेकिन उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल राजनीति से नहीं जुड़ा और सिर्फ अपने व्यापारियों के हित की बात और मुद्दों को लेकर चर्चा करता है। संदीप भाई, ये बताएं कि केंद्र से लेकर और उत्तर प्रदेश तक जो बीजेपी की लहर आई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल के अंदर, ये जो विपक्षी पार्टी रही भाजपा की, जैसे केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और स्टेट में समाजवादी की गवर्नमेंट रही, बीएसपी गवर्नमेंट रही, फिर दिक्कत की बात वही रही कि इन लोगों ने उद्योग के नाम पर देश में और प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। बेरोजगारी समाप्त करने के लिए लगाने होते उद्योग, ये उद्योग लगा पाने में सफल नहीं हो सके। पिछले, इससे पहले बीएसपी गवर्नमेंट रही 13 महीने, पिछले लगभग 25 वर्षों का इतिहास है। 25 वर्षों के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग के मामले में उद्योग को नकार दिया गया, सिर्फ सड़कों को सड़कें बनाने के नाम पर, पुलें बनाने के नाम पर विकास मान दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या लैपटॉप बांटकर देश का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बीजेपी की गवर्नमेंट अगर सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी है, तो बीजेपी गवर्नमेंट को भी ये समझ लेना पड़ेगा कि उनको प्रदेश के अंदर विकास करना है तो विकास के नाम पर उद्योग लगवाने पड़ेंगे। उद्योग लगेंगे तो बेरोजगारी की जो बड़ी भारी फौज पूरे देश के अंदर लगी है, ये फौज समाप्त हो जाएगी। उद्योग लगेंगे, प्रत्येक घर का बच्चा नौजवान बच्चा पढ़ा लिखा स्टूडेंट और बेरोजगार तबका रोजगार मिलेगा, रिक्शा वाले तक को रोजगार मिलेगा, पूरे देश का व्यापारी दुकानदार, प्रदेश का दुकानदार, ठेले वाला चाय के खोखे वाले तक को रोजगार मिलेगा। लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार से दूर रहकर मुख्यमंत्री को पूर्ण रूप से ईमानदार पद पर रहने के बाद पूरे देश की जनता के दर्द को समझना पड़ेगा कि जनता किस दर्द से तड़प रही है। जनता आज की तारीख में बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। प्रत्येक घर के बच्चे की फीस जमा नहीं है, माता पिता को तड़प रहे हैं, बच्चों को स्कूल पर नोटिस आ रहा है, लोग दो वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, मगर बिजली के बिल तक लोगों से जमा नहीं हो रहा है। ऐसे दर्द भरे माहौल में बीजेपी की अगर गवर्नमेंट बनती है, मुख्यमंत्री बैठेंगे आज शपथ में, समझता हूँ मुख्यमंत्री का डिसाइड हो जाएगा प्रदेश के अंदर, उनको भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा और प्रदेश में उद्योग का मिशन लगाना। आवाज उठा रही है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? ईवीएम मशीन को लेकर के कोई आवाज उठाना बेकार की बात है, ये तो सिर्फ हार की झुंझलाहट वाली बात मानी जाएगी, इससे कोई लेना देना, कोई हल होने वाला नहीं है। ईवीएम मशीन को छेड़छाड़ को लेकर के आप बहस करते रहिए, ये सोचिए कि प्रदेश के लिए हुआ क्या था। ईवीएम मशीन को लेकर कोई हल निकलने वाला नहीं है, चुनाव हो चुका तो हो चुका, ये तो बेकार का मुद्दा है, विपक्षी पार्टी रगड़ती रहे। मेन मुद्दा तो इस वक्त प्रदेश सरकार को अपना अस्तित्व साबित करना है। मुख्यमंत्री बैठे और अपने आप को साबित करें कि वो जनता के लिए क्या कर सकते हैं, देश की गरीब जनता के लिए क्या कर सकते हैं, देश के नौजवानों बेरोजगारों के लिए क्या कर सकते हैं। जो सरकार आती है कहती है हम किसानों के हित की बात करेंगे, युवाओं के हित की बात करेंगे, बेरोजगारों के हित की बात करेंगे, उद्योग लगवाते नहीं तो नौजवानों का हित कहां से होगा? टपालों में टहलने से नौजवानों का हित साबित होगा? ये मुख्यमंत्री अगर शपथ लेते हैं, प्योर गवर्नमेंट है, पूरे भारी बहुमत प्रचंड बहुमत के साथ गवर्नमेंट है, उद्योग लगवाएंगे और उद्योग लगेगा तो रोजगार बढ़ेगा, व्यापारी समाज को उम्मीद है कि प्रदेश के अंदर अब विकास की लहर दौड़ेगी।